हमारे सनातन धर्म में तिलक की बहुत महिमा है, सभी संप्रदायों में, चाहे वो वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे शैव हो, शाक्त हो, सौर्य हो, गणपत्य हो। बिना तिलक धारण किए सच बात तो ये है कि पूजा का भी अधिकार नहीं। स्नान के बाद भी हमारा पूर्ण पवित्रीकरण तब तक नहीं माना जाता जब तक हम तिलक धारण न कर लें। और तिलक गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं सीरियल में, सभी के मस्तक पर तिलक है और गुरु प्रदत्त तिलक है। और एक नियम है हमारे संप्रदायों में, वैष्णव संप्रदायों में आपने देखा होगा, मंदिरों में आप वृंदावन में सब जगह जाते हैं, जब निम्बार की मंदिर में आप जाएंगे तो वहाँ ठाकुर जी को निम्बार की तिलक लगा होता है, जब गोड़िया संप्रदाय के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ ठाकुर जी को गोड़िया तिलक लगा होता है, जब आप रामानंदी संप्रदाय के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ राम जी को रामानंदी तिलक होता है। एक वैष्णव में परंपरा है। जैसे हम इस समय निम्बार्क चरित्र दिखा रहे हैं तो इसमें भगवान को भी निम्बार्क तिलक दिखाया गया, और जब हम गौड़िया संप्रदाय के किसी संत का चरित्र दिखाएंगे, भगत का चरित्र दिखाएंगे, उसमें जब भगवान नारायण को दिखाएंगे तो वहाँ गौड़िया तिलक दिखाएंगे, एक नियम है ये। तो इस समय निम्बार्क संप्रदाय का चरित्र चल रहा है। जैसे निम्बार्कियों के आश्रम में जाओ वहाँ सबके तिलक निम्बार्की मिलेंगे, रामानंदियों के आश्रम में जाओ वहाँ सबके रामानंदी तिलक मिलेंगे, गौड़ियों के आश्रम में जाओ वहाँ सबके गौड़िया तिलक मिलेंगे, राधा बल्लभी आश्रम में जाओ तो वहाँ सबके राधा बल्लभी तिलक मिलेंगे। इसी प्रकार ये चरित्र इस समय निम्बार्क चरित्र है। इसमें जितने भी संत साधु हैं, भक्त हैं, सब निम्बार्क संप्रदाय के, सनक संप्रदाय के, इसलिए सबके तिलक निम्बार्की हैं। हमने कहीं भी कोई पक्षपात नहीं किया। आपने देखा होगा जब गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र दिखाया और पूज्य नाभा जी का चरित्र दिखाया, वो रामानंदी थे दोनों, तो वहाँ जितने भी साधु संत सब रामानंदी तिलक धारण करने वाले थे। तो हम कहीं भी पक्ष नहीं कर रहे हैं, जहाँ जिस भी संप्रदाय का हम चरित्र दिखाएंगे उसी संप्रदाय का तिलक, उसी संप्रदाय की वेशभूषा, जैसा कि हमको ग्रंथों से उपलब्ध हुई है और जैसा कि हम कई बार फोन करके भी पता कर लेते हैं। यहाँ तक कि जब हम पूज्य श्री नाभाजी अग्रदेवाचार्य जी की वेशभूषा का निर्णय ले रहे थे, हमने स्पेशल फोन किया रामानंद संप्रदाय के संतों से कि हम किस रंग की वेशभूषा दें, रुंड मुंड दें कि जटाधारी दें, इतना हम इंक्वायरी करके तब दिखाते हैं। तो फिर बताया कि एकदम भद्र सिर होना चाहिए अग्रदेवाचार्य जी का भी और श्री नाभाजी का भी, और गेरुआ वस्त्र हो। तो जैसा हमको बताया गया रामानंद संप्रदाय से फ़ोन करके हमने पता किया, वैसी हमने किया। तो हम बड़ा ध्यान रख रहे हैं बारीकियों का, फिर भी कोई गलती कहीं हो तो उसके लिए हम अवश्य क्षमा चाहेंगे। बाकी हम जो दिखा रहे हैं बिल्कुल प्रमाणित दिखा रहे हैं।